हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम 2012 के एसआई में मेंस में जो हमारे छत्तीसगढ़ के जीएस और आपका जीके जीएस जो भारत के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लगभग इसके 3 या 4 पार्ट जो कि अपलोड हो चुकी है, तो इसको नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपके 2012 के मेन्स में। और साथ ही साथ आपके हिंदी और इंग्लिश भी अपलोड मैं कर चुका हूँ, उसको भी जाके देख सकते हैं। 2023 में आपकी तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे टाइप की आपको तैयारी करना है, आपके से बहुत ही तैयारी करने में आसानी होगी, हेल्प हो जाएगा, तो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे बचो जो आज लास्ट हो जाएगा, तो लगभग आज मैं जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर इसके बाद हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लुसेंट का जीके जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लुसेंट पढ़ेंगे। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मैं लाऊँगा, साथ ही साथ उसमें फैक्ट भी बताते जाऊंगा। एक क्वेश्चन से जितना भी फैक्ट बनेगा उस क्वेश्चन से मैं बताते जाऊंगा जो आपके एग्जाम के लुसेंट पढ़ लेंगे, तो बाकी कभी आप जीके से क्वेश्चन और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए जो बच्चों को क्वेश्चन हम ख़त्म कर देते हैं फिर हम जीके का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हमारा लास्ट पार्ट है, बाकी जो पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो लगभग 86 क्वेश्चन तक हम पहुँचे थे। तो कंप्यूटर जो सिस्टम प्रणाली है यह वह पाठ है जो डाटा को नियंत्रित कर सूचना पैदा करता है वह क्या कहलाता है। तो वो आपको कीबोर्ड कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, या आपका मॉनिटर कहलाता है, या डी आपका माउस कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर। याद रखिए, तो यह कंप्यूटर जो सिस्टम प्रणाली है मॉनिटर, यह जो वह पाठ है जो डाटा को नियंत्रित तो करती है लेकिन यह भी सूचना भी पैदा करती, मतलब उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, तो आपके मॉनिटर कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, तो यहाँ पे 2012 में एनालिसिस किए हैं, तो कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी कम से कम आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस किए हैं। तो कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना, ऐसा करके अनुमान लगा के चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकायुक्त जो विधेयक 2011 में पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा था। तो यहाँ पे 2011 में करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया था, तो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। तो लोकायुक्त जो विधेयक 2011 में पारित करने वाला जो भारतीय राज्य कौन सा राज्य था, तो आपका उत्तराखंड राज्य था। इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन हमारा, 6वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ इसका आयोजन किया गया था। तो आपके न्यूयॉर्क सिटी में, कांस सिटी में, क्योटो सिटी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका कांस सिटी। याद रखिए, जो 6वां G20 जो शिखर सम्मेलन का आयोजन आपके कौन से सिटी में किया गया था, कौन से सिटी कौन से शहर के अंतर्गत आता है। तो आपको जो कांस जो सिटी है आपके फ्रांस के एक मतलब जिला या सिटी है, समझ सकते हैं फ्रांस जो देश है इसकी एक सिटी है कांस। तो यहाँ पे 6वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2023 को। मैंने कल पूछा था, आप लोग कमेंट नहीं दिए थे, कमेंट करके बताइएगा हमारा इस बार G20 2023 का शिखर सम्मेलन किसको अध्यक्षता दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है आपके आने वाला एग्जाम के लिए, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 89 क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा था, तो एक कुआलालंपुर, कैनबरा, जकार्ता, या डी आपका बाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाली। बाली ये कहाँ पे आती है, तो बाली आपके इंडोनेशिया एक सिटी है, इंडोनेशिया देश की एक सिटी है बाली। तो यहाँ पे जो 19वीं क्रम के जो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया था, तो आपके बाली इंडोनेशिया में इसका हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन आंसर लिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश में पहला 3D टेलीविज़न का परीक्षण प्रसारण शुरू किया गया था। तो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया था, तो USA, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका सही जो ऑप्शन लिया गया था व्यापम के द्वारा, तो इसका चीन आंसर लिया था। तो उस समय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो 3D टेलीविज़न का परीक्षण जो प्रसारण है कहाँ पर शुरू किया गया था, तो आपके चीन में शुरू किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 है,
गीता फोगाट जिसने लंदन ओलंपिक लिए योग्य घोषित किया गया है, निम्न में किस खेल से संबंधित है या कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो कुश्ती से, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक या व्यायाम भी कहते हैं इसको, या भारोत्तल से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुश्ती, याद रखिएगा। तो गीता जो फोगाट है, जिस इन्होंने दो या फिर करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय 2011-12 के, तो इन्होंने गीता फोगाट जिन्होंने लंदन ओलंपिक के लिए योग्य घोषित किए गए थे, ये आपके कौन से खेल से संबंधित है? तो उन्होंने कुश्ती खेल से संबंधित है, गीता फोगाट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासन ने वर्ष 2012 में डाकघर द्वारा संचालित छोटी बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना और लोक भविष्य निधि पर कितने प्रतिशत ब्याज दर में वृद्धि की गई थी? तो 0.5%, 1.5%, 0.75% या 1.75%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1.5%, यहाँ ब्याज दर में वृद्धि की गई थी केंद्र शासन के द्वारा 2012 में। तो ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बहुमुखी जो बंगाली अभिनेता है, इनको सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हेतु इनको चयन किया गया था? तो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा था। तो आपके प्रसन्नजीत चटर्जी को, सौमित्र चटर्जी, रंजीत मलिक, शुभेंदु चक्रवर्ती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सौमित्र जो चटर्जी हैं, इनको एक बंगाली अभिनेता है, बंगाली एक्टर, तो इन्होंने 2012 के मेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बहुमुखी जो बंगाली अभिनेता को सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हेतु इनको चयन किया गया था, सौमित्र चटर्जी बंगाली अभिनेता हैं। तो यहाँ से आपके 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो 2022 का याद रखिएगा, 2022 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो याद रखिए 2022 का जो आशा पारेख, याद रखिएगा, तो आशा पारेख को 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया था। कौन से क्रम था? तो 72वें क्रम का था, याद रखिए 72वें क्रम का जो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार हेतु आशा पारेख को दिया गया था। वही 2023 की बात करूँ, 2023 में जो सम्मान सर्वोच्च जो फिल्म पुरस्कार है, तो आपके अभिनेता एक्ट्रेस वगैरह दिया जाता है, तो सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? तो रेखा को दिया गया है, याद रखिएगा। तो रेखा इनको 73वें क्रम का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इन दोनों को क्वेश्चन पूछा जाए, 22 में आपका आशा पारेख को दिया गया है फिल्म सम्मान दादा साहेब पुरस्कार, और 2023 अगर आपसे पूछ दे, 2023 में आपका रेखा को दिया है 73वें आपके सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इन दोनों को डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, तो नाम को याद रखिएगा, 2023 में रेखा को दिया गया है और 22 में आपको आशा पारेख को दिया गया, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती या भारोत्तल। तो सुनील कुमार आपके 2012 में करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए, तो सुनील कुमार आपके कुश्ती खेल से संबंधित है। गीता दीप फोगाट जो कुश्ती खेल से संबंधित है, हरियाणा के रहने वाली हैं, तो मुख्य जो कुश्ती खेल से सुनील कुमार थे, इस खेल से संबंधित है। ऐसा टाइप के जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा टाइप के 2022 का करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा, तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के यात्रा पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया था? तभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के यात्रा पर आपका जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, तभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी इसका डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश व्यापम द्वारा इसका आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके छत्तीसगढ़ के जीके का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कई बार एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो रायपुर में, दुर्ग, जगदलपुर या बिलासपुर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन बिलासपुर, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जो राजस्व मंडल या राजस्व विभाग का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर और मुख्यालय स्थित है। किसका? तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय आपके बिलासपुर जिले में है स्थित है, न कि आपके रायपुर में। तो इसको याद रखिए, IMP करके इसको भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ के जीके और भारत के जीके सेक्शन खत्म हो जाता है, फिर हम रीजनिंग मैथ्स का देखेंगे, जहाँ सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि कुकर से उसमें बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए
या उबलते जल से भाप अधिक तप्त होती है इसलिए, या आपके उच्च दाब के चलते जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए, या कुकर में निम्न ताप उबलते लगता है इसलिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखेंगे तो प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के चलते जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में भोजन बहुत ही जल्दी पक जाता है, शीघ्रता से पक जाता है। तो इसका मुख्य कारण यही है। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, तो इसी के चलते उच्च दाब के चलते जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जो हमारा खाना है या भोजन शीघ्रता से पक जाता है। कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जामों पे, तो IMP करके इसको भी रख लीजिए। जितना भी GK GS यहाँ आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके साइमेंस PSC के ही भी से एग्जाम में पूछा जा सकता है, GK का क्वेश्चन है। तो ये थे लगभग सब क्वेश्चन, मैंने इसे कंप्लीट करा दी है। अगर बाकी जो वीडियोस बने उसको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके 2012 साइमेंस में क्वेश्चन पेपर पूछे गए उसी को मैं डिस्कस किया हूँ। अब इसके हिसाब से हम लूसेंट का देखेंगे, GK GS का चैप्टर वाइज जहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर मैंने लूसेंट का हम तैयार करेंगे। तो आई थिंक आज शाम से या कल से हम भी स्टार्ट कर देंगे, लूसेंट मैं कवर कराऊंगा। तो बाकी आपको कहीं से GK से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा आपको GK कोई भी सेक्शन से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको लूसेंट GK पढ़ना है कि नहीं, यस नो में कमेंट करके बताइएगा। और मैं डेली बेस पे करंट बेस पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस में यहाँ से जो मैं करा करा हूँ तो लगभग 6 से 7, 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट बेस से क्वेश्चन 2012 मेंस SI में क्वेश्चन पूछे हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको मान के चलिए 2023 में अगर बैठेंगे मेंस में, PSC हो चाहे SI मेंस में, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डेली बेस में करंट बेस पढ़ाता हूँ, छत्तीसगढ़ के भी पढ़ाता हूँ, आपके भारत के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कमेंट करके बताइएगा लूसेंट पढ़ना है कि नहीं। तो थैंक यू, चलिए मिलते हैं।